हाय एवरीवन, माय नेम इज एडवोकेट हनमत लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर रिलेशनशिप को रिसेंटली कौन कौन से कानून आने वाले हैं और लेबर रिलेशनशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। लेबर रिलेशनशिप में रहने के पहले कौन कौन सी प्रोसेस से आपको गुजरना बहुत ही जरूरी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट से आपको बनवाना बहुत ही जरूरी है। लेबर रिलेशनशिप को लेके क्या कानून है, यदि आप लेबर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप लेबर रिलेशनशिप में रहें, तो आपको एक लीगल कंप्लाइंस है जो कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ये करना बहुत ही जरूरी है ताकि समाज के लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, पुलिस के द्वारा आपको किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली यदि आप लेबर रिलेशनशिप में रहते हो और हर रोज आपको कोई ना कोई धमकी देता है, पुलिस से कोई मैसेज आता है, फोन आता है, परिवार वाले धमकी देते हैं, समाज वाले धमकी देते हैं, तो लंबे समय तक जो है आप इस प्रकार का जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप ऐसा कदम उठा रहे हैं तो एक बार लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो कर लें ताकि आपको इन सभी लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको आपको डर के रहना, कब तक आप फिर इस प्रकार पुलिस से बचेंगे, समाज के लोगों से बचेंगे। तो इसलिए अगर आप रहने की सोच रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का कई बार हवाला दिया है कि कपल्स के पास ये अधिकार है कि 18 साल होने के बाद वो राइट टू चूज पार्टनर जो है की बात करते हैं, मतलब आप जो है आपके अपने आपको किस पार्टनर के साथ रहना है, आपके डिसीजन जो है 18 साल के बाद आप ले सकते हैं क्योंकि आप मेजर हो गए हैं। लेकिन अभी आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि शादी को लेके कानून अलग है। शादी के लिए बेसिकली जो उम्र है लड़के के लिए 21 साल है और लड़की के लिए 18 साल है। लेकिन अगर आपकी ये उम्र कंप्लीट नहीं हुई, दोनों कोई 18 का है कोई 19 का है, तो आप जो है लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती हो। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको लड़के को 21 साल की आवश्यकता नहीं है। तो अब जब भी आप लिविंग रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहना है, तो आप जो है सबसे पहले एक लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट जो है वो बनवा है, वो किसी भी एडवोकेट्स के माध्यम से आप बनवा सकते हैं, आप किसी भी कोर्ट जाके बनवा सकते हैं और उसमें आपको ऐसी कंडीशंस रखना है ताकि दोनों के लिए वो सही रहे कि अगर आप कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल क्योंकि रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं आप उस लिविन एग्रीमेंट्स में लिखवाते हैं। तो एक सही एडवोकेट्स को ले, उससे एक लिविन एग्रीमेंट्स बनवाएं, उसमें डिक्लेरेशन होता है, आप दोनों उसमें साइन करते हैं कि आप दोनों जो हैं अपनी कंसेंट के साथ रह रहे हैं, आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि जब आप लिविंग एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, उसको नोटराइज करवा लें, नोटरी करवा लें, तो वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके